पाकिस्तान सुपर लीग में बाबर आजम ने तूफानी शतक ठोक, पूरे पाकिस्तान में मचा दिया कोहराम। पाकिस्तान की T20 लीग में बाबर आजम ने कर दी चौको छक्को की बारिश। जी हाँ दोस्तों, कैसा रहा इस मुकाबले का हाल, साथ ही बाबर आजम ने खेली है कैसी तूफानी पारी, बताएंगे आपको सब कुछ इस वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले आप भी बाबर आजम को एक विस्फोटक बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग में जैसे जैसे मुकाबले आगे बढ़ते जा रहे हैं, रोजाना हाई वोल्टेज मुकाबले सामने आते जा रहे हैं। अब टीमें 200 का आंकड़ा भी पार कर रही है। सभी टीमें अपने शानदार प्रदर्शन से इस खिताब को अपना नाम करना चाहती है। ऐसा ही एक हाई वोल्टेज मुकाबला हमें PSL के 25वें मुकाबले में देखने को मिला। दरअसल PSL का 25वां मुकाबला पेशावर जालमी और क्वेटा ग्लेडिएटर के बीच में खेला गया। आपको बता दें कि इस मुकाबले में पेशावर जालमी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। लगातार PSL 2023 में बाबर आजम का बल्ला आग उगल रहा है। वहीं उनके साथी खिलाड़ी सईम अयूब भी PSL 2023 में एक अलग ही रंग में नजर आए हैं। सईम अयूब और बाबर आजम की जोड़ी पेशावर जालमी के लिए काफी सफल साबित हो रही है। इन दोनों ही खिलाड़ियों ने टीम के लिए तेज शुरुआत दिलाई। इस मुकाबले में सईम अयूब और बाबर आजम के बीच पहले विकेट के लिए 162 रनों की साझेदारी हुई थी। इससे पहले मुकाबले में भी इन दोनों ही खिलाड़ियों के बीच शतकीय साझेदारी हुई। इस मुकाबले में बाबर आजम के बल्ले से शतकीय पारी निकली। बाबर आजम ने इस मुकाबले में 65 गेंदों में 15 चौके और 3 छक्के की मदद से 115 रनों की तूफानी पारी खेली। तो वहीं सईम अयूब ने भी महज 34 गेंदों पर 6 चौके और 5 छक्के की मदद से 74 रनों की आक्रामक पारी खेली और अपने फॉर्म में होने का सबूत पेश किया है। हो सकता है कि बाबर आजम और सईम अयूब की ये जोड़ी हमें पाकिस्तान टीम में भी खेलते हुए नजर आए। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।